हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल हैंडीक्राफ्ट नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नई जानकारियां लाया हूं। जैसे कि आप सभी का जो कमेंट में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम लोग कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं और क्लियर कास्ट रेजिन क्या है और जीपी ग्रेड रेजिन क्या है, तो वही मैं डिफरेंस आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में बताया है कि ये जो है वो 26-30 सिलिकॉन है। ये देखिए, इसकी जो लेयरिंग है वो थोड़ी सी पतली रहती है, देखिएगा आप लोग, इसकी लेयरिंग थोड़ी सी पतली रहती है। इसी के मुकाबले में जो दूसरा जो होता है ये 34-83 है। ये देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। ये देखिए, इनमें से जो मैं यूज करता हूं वो जो है ये 34-83 यूज करता हूं अपने मोल्ड्स के लिए, क्योंकि इसमें जो है कि पीस आपके ज्यादा निकलते हैं और आपको लेयरिंग जो है वो आपके मास्टरपीस पर कम चढ़ानी पड़ती है। तो पहला स्टेज हमारा ये हो गया है कि हम जो मास्टरपीस पर हम कोई भी, या 26-30 या ये 34-83 यूज कर सकते हैं, उससे हम अपना मोल्ड बनाएंगे, जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था। इसके हम 4-5 कोट जो है अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो अगला आता है वो हम यूज करते हैं ये फाइबर शीट, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये कुछ इस तरह से होती है। इसको हम लोग, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी दिखाया कि जब हमारी डाई तैयार हो जाएगी तो हम ये वाली फाइबर शीट उसके ऊपर लगाकर जो हमारा रेजिन होगा उससे इसको सपोर्ट दे देंगे। अब हमारा जो अगला पार्ट आता है वो आता है कि हम रेजिन कौन सा यूज करेंगे। इस चीज की कंफ्यूजन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा है, तो मैं वो कंसेप्ट भी आज आपका क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि ये दो मॉडल्स हैं, ये जो मॉडल है ये हमारा जीपी ग्रेड में बना हुआ है और ये जो साथ में लक्ष्मी गणेश जी का मॉडल है ये हमारा क्लियर कास्ट में बना हुआ है। अब आप लोग जानना चाह रहे हो कि जीपी ग्रेड कौन सा है और क्लियर कास्ट कौन सा है और या ये कैसे यूज होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा, ये जो हमारा रेजिन है ये जीपी ग्रेड रेजिन है। देखिए, ये दिखने में तो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ही लगता है, बट क्लियर कास्ट जो रेजिन है, अगर आपको ट्रांसपेरेंट पीसेस बनाने हैं या आपको कुछ मार्बल डस्ट टाइप के जो आपने स्टैचू देखे होंगे मार्केट में वो बनाने हैं, उसके लिए यूज होता है। ये है हमारा क्लियर कास्ट रेजिन, जिसको हम सीसी भी बोलते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा आपको ग्रीनिश दिख रहा होगा, बट जब आप इसको यूज करेंगे तो ये बिल्कुल मार्बल का लुक देगा। अब मैं फिर से आपको दिखाना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि डिफरेंस क्या है। तो कुछ इस तरह का अगर आप स्टैचू बना रहे हैं जो हमारा पूरी तरह से कलर होगा, कवर हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग जो यूज करेंगे वो जीपी रेजिन यूज करेंगे। और जो इस तरह का हमारा आप पीस देख रहे हैं ये बिल्कुल मार्बल की लुक में है, अगर इस तरह का आप पीस बनाना चाहते हैं तो हम क्लियर कास्ट रेजिन यूज करेंगे। अब मैं दिखा देता हूं आपको कि हम, पहले मैं बताऊंगा कि जीपी रेजिन के साथ हम क्या क्या यूज करते हैं। जीपी रेजिन के साथ, रेजिन मैंने आपको बता ही दिया है, जीपी रेजिन के साथ जो हमारा पाउडर यूज होता है वो नॉर्मल पाउडर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज करता हूं वो फेन चोक यूज करता हूं। उसके साथ हमारा ये कोबाल्ट आता है, ये 6% है मेरे पास। उसके साथ मैं यूज करता हूं हार्डनर, ये रेजिन का हार्डनर है। उसके बाद ये पिगमेंट है, ये व्हाइट कलर का है, ये दोस्तों सभी कलरों में आता है, जिस भी कलर का आप स्टैचू बनाना चाहते हैं। अगर आपको ऊपर से कलर करना है स्टैचू के तो आप नॉर्मल व्हाइट पिगमेंट यूज कर सकते हैं। फिर मैं और दिखाना चाहता हूं कि हम जो, मैंने पहले ही बताया था कि आपको हम जो डाई में मानसन पॉलिश यूज करते हैं ताकि जो हमारी सिलिकॉन है वो हमारे पीस को ना पकड़े। उसके बाद ये कुछ वैक्स पॉलिश है, आप किसी भी चिकनी चीज की का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप वैसलिन का भी यूज कर सकते हैं जब आप मोल्ड बना रहे हैं। अब दोस्तों, सेम चीज जो है
इस क्लियर कास्ट के साथ भी यूज होती है, जो एक क्लियर कास्ट है, लेकिन उसमें ऐसा मार्बल का लुक कैसे आता है वो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, कि रेजिन सिर्फ हमारा जो रेजिन है वो ही चेंज नहीं होगा, इसके साथ और भी चीज़ें चेंज होगी। जैसे कि रेजिन आप देख ही रहे हैं, ये यूज़ होगा अगर आप मार्बल का पीस बनाना चाह रहे हैं, और इसके साथ जो है कलरलेस कोबाल्ट यूज़ होगा, ये भी ब्लू ही कलर का दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप जब इसको डालेंगे तो ये कलरलेस है, जैसा इसका नाम है ये कलरलेस है, उसके कलर को इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा रेजिन के कलर को। और इसके साथ जो है हमारा जो इस तरह का ट्रांसपेरेंट वाइट पिगमेंट आता है जो कि आपके मार्बल पीसेस में यूज होता है, और जो हम इसमें पाउडर यूज करते हैं वो मार्बल डस्ट पाउडर होता है। प्रोसेस सेम है दोस्तों, बस थोड़ा सा मटेरियल चेंज करने की जरूरत है, और मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ बातें समझ नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और ये व्हाट्सअप नंबर मैं इधर नीचे भी दिया हुआ है, आप इस पर भी मुझे व्हाट्सअप करके ये जानकारी ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर अपनी वर्कशॉप पे ट्रेनिंग भी देता हूँ आप लोगों को, तो अगर कोई मेरा भाई ट्रेनिंग लेना चाहता हो, वो मुझसे उसकी जानकारी चाहता हो, वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। आप लोगों को किसी भी तरह का रॉ मटेरियल चाहिए हो जो आपको मार्केट में ना मिल रहा हो, उसके बारे में जानकारी चाहिए हो, या किसी भाई का होलसेल का काम हो या शॉप हो, वो अपने होलसेल प्राइस पे हमसे बना हुआ जो हमारा स्टैचूज हैं वो खरीदना चाहता हो, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज जो मैंने आपको जानकारी दी है उस सबसे आप सहमत होंगे, और जो मेरा भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों से अब मैं लेता हूँ विदा, अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।